आ रही है, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक टिप्पणी आई है। दरअसल ये हमारी कार्यपालिका के फेल्योर की निशानी है। कार्यपालिका यह नहीं समझ पा रही है कि हेट स्पीच के नाम से केवल दो चार बयानों को नजरअंदाज कर देना कितना घातक हो सकता है। ये निश्चित रूप से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो है वो, हालांकि इसमें स्ट्रिक्चर जो है वो केवल एंकरों को लेके कहा गया है, लेकिन असली बात तो यह है कि पूरा का पूरा मीडिया, और न केवल मीडिया बल्कि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, वो सारे मिलकर या तो हेट स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं या हेट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत एंकर जो है दुर्भाग्य से अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि कितने महत्वपूर्ण पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं, कितना महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं। उनका कहा एक एक शब्द जो है वो जाके समाज के समाज पर जाके वो सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी तरह का प्रभाव डाल सकता है। उन्हें बहुत ही जिम्मेदार ढंग से काम करने की जरूरत है। लेकिन पिछले 8-9 सालों से आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश का चलन है और उसके साथ ही जो मीडिया का जो प्रारूप बन गया है, उसमें एक एजेंडा उन्हें सौंपा गया है। ये एजेंडा किसकी ओर से सौंपा गया है? हमारे विधायिका की ओर से सौंपा गया है, जहां पर बहुमत जिस पार्टी का है, यानी मैं सीधे सीधे कहूं तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है समाज में नफरत फैलाना, उसमें वो एक उपकरण के रूप में हमारे एंकर्स जो हैं और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा काम कर रहा है। अब उन्हें ये नहीं पता कि ये नफरत का असर कितने दूर तक फैलेगा। नफरत केवल किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट कर देना, किसी की बात को ज्यादा उछाल कर फैला देना, छोटी सी घटना हो उसको फ्लेयर अप कर देना, मतलब जितना उसका आकार नहीं है उससे बड़ा होकर बताना, और वो कौन सी सारी की सारी खबरें जो नेगेटिव खबरें हैं, और ऐसी खबरें जो दो वर्गों के बीच में या एक के खिलाफ अन्य वर्गों को खड़ा करती है, ऐसी नफरतें। ये ऐसी नफरत जो है उसका अगला जो चरण होता है वो हिंसा का होता है। जब देखते हैं कि एक वर्ग को जब ये पता चलता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया है, तो वो जो वर्ग है वो कमजोर वर्ग पे दमन करता है। पिछले 7-8-9 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की बजाय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और कुछ ऐसे एंकर्स हैं जिन्हें हेटरेट फैलाने के नाम से पूरी सारे के सारे लोग जानते हैं, पूरा समाज उन्हें पहचानता है, लेकिन उनके ऊपर सीधे सीधे सत्ता का हाथ होने के कारण लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ जो ऐसे हेट स्पीच करने वाले या नफरत को फैलाने वाले पत्रकार हैं वो जेलों तक भी जा चुके हैं, आप ये देख चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी ये बात सही है राहुल गांधी की कि उनके पीछे किसी की नकेल है जो उन्हें पीछे की ओर खींचती है। अगला हिंसा के बाद जो चरण होता है वो कानून और व्यवस्था के बिगड़ने का सवाल वहां पर पैदा हो जाता है। हर देश में जो है किसी भी सत्ता का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो होता है देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनाए रखना, और मीडिया का काम होता है उसे समर्थन देना कि भाई अगर देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही तो उसे किया जाए। आप याद कीजिए राजीव जी, 8-10 साल 15 साल पहले अगर हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे तो कभी वर्गों का नाम नहीं लिया जाता था। ये कहा जाता था कि दो समुदायों के बीच में टकराव हो गया, एक धर्म स्थल पर हमला किया गया। लेकिन आप देखिए पिछले 7-8-9 सालों से उसको पूरा का पूरा ओपन अप कर दिया गया है, ताकि उसका उद्देश्य यह है कि अगर हम एक जगह खुल के बताते हैं कि यहाँ यहाँ हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा हुआ या यहाँ यहाँ इनके इनके बीच दंगा हुआ, तो वो दंगा जो है पूरा का पूरा जो है पूरे देश में फैल जाए, और जहां तक फैल जाए वहां तक मीडिया के अपने स्वार्थ हो सकते हैं। मीडिया का अपना जो है TRP बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू गेन करने के लिए, अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन वो किस कीमत पर? वो देश विभाजन की कीमत पर। कानून व्यवस्था के बाद आप आइए तो ये जो स्थिति है ये गृह युद्ध तक ले जा सकती है। शायद हमारे एंकरों को नहीं पता है जो गोदी मीडिया जिसके कहा जाता है या जो नफरत फैलाने वाले कुछ आइडेंटिफाइड चेहरे हैं वे एंकर, और आप देखिए उनके बताया जाता है कि उनके हर महीने की कमाई इतने लाखों में है। अगर आपको नफरत फैलाने से आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आपका बोनस बढ़ता है, तो भला वो पत्रकार, वो एंकर जिसको लेकर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्यों नहीं करेंगे? उन्हें पता चल गया है कि हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है वो नफरत फैलाने पर ही टिका हुआ है। समाज को बांटने का जो काम है वो अंततः जो है या तो गृह युद्ध की ओर ले जाएगा, नहीं तो कई समुदायों के बीच आपसी संघर्ष को बढ़ावा देगा। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, दरअसल भारत में रहने वाले हर संवेदनशील व्यक्ति की, हर समझदार व्यक्ति की, हर ऐसे व्यक्ति की जो समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता में, बंधुत्व में यकीन करता है,
उनके लिए यह एक आशा की किरण लेकर आया है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात को, मतलब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, यह भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई एंकर नफरत फैला रहा है तो उस पर कार्रवाई करने का काम तो कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका जब खुद ही दबी हुई है, कार्यपालिका भी आप देखिए अपने हिसाब से नफरत ही फैलाने का इनडायरेक्टली काम कर रही है, तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, उसके इस टिप्पणी का क्रियान्वयन जो होगा वो किसी कार्रवाई के रूप में होगा या नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत आवश्यक है, आज नहीं तो कल आपको इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये पूरे देश को जला कर रख देंगे। और निश्चित रूप से एमके जोसेफ साहब और जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम ने जो आदेश पारित किया है ये बड़ा बोल्ड है। और वो देखें सुप्रीम कोर्ट के से मैं एक नागरिक के रूप में अपील करता हूं कि उनकी ये जो कही गई बात है इसको वाकई उसको यथार्थ के धरातल पर लाना पड़ेगा, वरना देश जो है वो लगातार जलता रहेगा, जैसा हम पिछले 8-9 सालों से देख रहे हैं। राजू जी ही एक दर्शक है जो इस समय देख रही है अपना कार्यक्रम, सुनीता दास, उन्होंने बहुत छोटी सी बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि केवल फटकार लगाने से क्या होगा, ये सारे के सारे चिकने घड़े हैं। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि अब जो है एक्सपेक्टेशन जो है पूरे भारत की इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बीवी नागरत्ना मैडम उसमें इन्वॉल्व हुई है, नोटबंदी के वाले इसमें एक अलग राय दी, वो जो राय थी वो पूरे हिंदुस्तान की राय थी कि नोटबंदी का फैसला जो है वो गलत हुआ था। तो ऐसे लोगों के प्रति अपेक्षा इसलिए भी बढ़ गई है कि सारी की सारी जो संस्थाएं हैं हमारी संवैधानिक संस्थाएं वो सारी की सारी फेल हो गई है, और मीडिया तो हो ही गया जिसके ऊपर हम चर्चा भी कर रहे हैं इस वक्त। तो ये एक्सपेक्टेशन देखिए, केवल आप एक आदेश जारी करते हैं लेकिन उन्हें ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि न्यायपालिका जो है उसके पास इतनी पावर निश्चित रूप से है कि वह अपने आदेश का पालन करा सके, ये कहकर बाकी संस्थाएं नहीं बच सकती। उसको ये भी करना चाहिए कि स्वतः संज्ञान लेने की भी कुछ उसकी क्षमता है, कुछ चीजें हैं, कुछ तरीके हैं जिसके जरिए वो ऐसे बड़े मामलों में अपने आप संज्ञान उसको लेना चाहिए। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है नागरिक के रूप में, कैसे करेगी वो हमें नहीं पता। हम न्यायपालिका से भी वैसे ही रिजल्ट चाहते हैं, मांगते हैं, जिस प्रकार से हम विधायिका से मांगते हैं, जिस प्रकार हम कार्यपालिका से मांगते हैं, क्योंकि न्यायपालिका भी जो है उस पर भी टिप्पणी की जा सकती है क्योंकि वो भी संविधान से ऊपर नहीं है। तो एक नागरिक के रूप में हम ये कह रहे हैं कि जब आप ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं तो उसको फिर आप इम्प्लीमेंटेशन भी करवाइए, वरना सुनीता दास जैसे लाखों लोग हैं जो कहेंगे अच्छा इसका मतलब है केवल आप केवल बोलने ही बोलने के लिए हैं। आप पिछले समय आप देखिए 7-8 सालों में कितनी घटनाएं हुई हैं कि नुपुर शर्मा प्रवेश इसका नवीन जिंदल का मामला आप लीजिए, क्या हुआ उनके साथ, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का क्या हुआ, तो ये सामने है। शाहीन बाग में आपने जाके उनको पूरे के पूरा बता दिया कि ये सारे मुस्लिम इसमें पाकिस्तानी लोग भरे हुए हैं। किसान आंदोलन हुआ, एक लोकतांत्रिक आंदोलन था, उस लोकतांत्रिक आंदोलन को आपने ये कह के बदनाम करने की कोशिश की कि ये खालिस्तानियों द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद कालीचरण जैसे लोग आए, उसके बाद और तो और वो यहां तक कि जिस संविधान ने न्यायपालिका को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। और शायद अगले कुछ दिनों के बाद जो शायद कुंभ मेला होगा या जो होना है आदरणीय सुनील शुक्ला जी के ही शहर में, वहां वो कह रहे हैं कि हम नया ड्राफ्ट पेश करेंगे संविधान के ऊपर। अरे तो भाई फिर कहाँ है न्यायपालिका, जुडिशरी क्यों नहीं? मेरी एक्सपेक्टेशन न्यायपालिका से बढ़ेगी जब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी मदद करने वाले अब कोई भी नहीं है। विधायक फेल है, कार्यपालिका पूरी की तरह फेल है, मीडिया फेल है, ईवीएम फेल है, मेरा कहने का मतलब है कि केचुआ फेल है पूरा का पूरा, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो मेरी एक्सपेक्टेशन अगर न्यायपालिका से बढ़ती तो गलत नहीं है, और न्यायपालिका वाकई में सक्षम है इन सारे से अपना काम कराने के लिए और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। न्यायपालिका भी जनता की अपेक्षाओं के लिए ही बनी है, और हम निश्चित रूप से मांग करेंगे और वो हमारा अधिकार भी है। न्यायपालिका कतई कतई ऊपर नहीं है, आलोचना से कतई परे नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वरना हमें यह लगेगा कि जिस तरीके से पुराने कुछ बड़े जस्टिस लोगों ने बड़े तीखे तेवर दिखाए, बड़े निर्णय ले लिए सरकार के खिलाफ, और हुआ क्या, उनके लिए राज्यसभा में कुर्सी लग गई। तो अगर ये नागरत्ना मैडम से हम उम्मीद करते हैं, बड़ी उम्मीदें हमारी बढ़ी हैं उनसे, पिछले दो उन्होंने निर्णय लिए हैं, बड़े अनुपम निर्णय लिए हैं उन्होंने, तो इसको जो कहा है उसको एक एक निर्णय तक पहुंचाएं, तार्किक निर्णय तक पहुंचाएं,
और इस बात को ये करें कि हेट जो स्पीचेज हैं वो न केवल मीडिया फैलाए, न केवल एंकर्स फैलाए, बल्कि जनता में भी कोई ना फैलाए, कोई नेता ना फैलाए, कोई धर्मपुरुष ना फैलाए, ये सारे के सारे बंद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं सबको स्वर जो है वो मोदी मीडिया ही तो दे रहा है। तो कुल जमा ये एक अच्छा निर्णय था। अब हमारी उम्मीद है और हम मैं एक नागरिक के रूप में मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसे लागू कराए। राजीव जी बिल्कुल, ये मांग वाजिब है और